भूल जाता हूँ कभी कभी, तुम देखना जो मुझे पूछना था। अभी याद आ गई। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? विभाग अजय विभाग। तो विभाग का लक्षण हो गया, उसके लिए मैं एक बार बोल देता हूँ, संयोग नाशको गुणो विभाग। विभाग हो गया लक्ष्य, नहीं, और लक्षण हो गया संयोग नाशकत्व सति गुणात्तम, ये लक्षण हो गया, नहीं? ठीक है, तो पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद विभाग होता है, विभाग के बाद संयोग का नाश हो जाता है। ठीक है, तो विभाग का कितना लक्षण, ये कितना विभाग किया? दो दो प्रकार, पहले कर्मज विभाग और संयोग विभागज विभाग, और कर्मज विभाग का दो भेद, नहीं, अन्यतर कर्मज विभाग, उभयतर कर्मज विभाग, ठीक है ना? उभय उभय उभयतर क्या, उभय बोलो, उभय कर्मज, उभय कर्मज विभाग का उदाहरण दो भेणों का, भेणों का विभाग है, मेष द्वय का विभाग, मेष मेष मतलब भेड़, लग गया। और अन्यतर कर्मज विभाग का उदाहरण पक्षी का विभाग वृक्ष से, है ना? हस्त का विभाग ये भी होगा, है ना? और विभाग जो विभाग, हस्त का विभाग से शरीर का विभाग हो गया, हस्त का विभाग से, अथवा आपका संयोग था पहले वृक्ष में था ना, पुष्प तोड़ रहा था ना पुष्प तोड़ रहा था, फिर विभाग हो गया ना, तो हस्त का विभाग से शरीर का विभाग हो गया, ये सब होता है। और इसमें भी फिर दो भेद करो, कैसे? अभिघात और नोदन, विभाग का फिर द्विभेद करो, कैसे करेंगे? अभिघात विभाग और नोदन विभाग, अभिघाताख्य विभाग, नोदनाख्य विभाग। अभिघात नामक विभाग कैसे? जहाँ पर शब्द होगा, शब्द जनक विभाग, अभिघात विभाग, पहले की तरह जिस विभाग से क्या होता है, शब्द होता है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो, अभिघात विभाग, है ना? कैसे? बांस को फाड़ते हो कि नहीं? बांस को फटफट फट ऐसा होता है कि नहीं? बांस बंस दल, बांस का जो दल दल दो भाग, बांस है ना? बांस बांस को फाड़ते कि ना, आवाज नहीं होती, विभाग हुआ कि नहीं? कि नहीं? हाँ, वो कौन सा होगा? अभिघात अभिघात विभाग होगा, हो जाएगा अभिघात। बस समझ में आई? हाँ, दातुन भी चीरते हो ना, दातुन दातुन तो आजकल करते नहीं, ब्रश करते हो, सब ब्रश चलता है, हैं? ब्रश के लिए दोनों रखना पड़ता है ना, दांत के लिए और जीवा के लिए, और दातुन में क्या होता है, एक ही में सब काम मिल जाता है ना, दातुन। और कोई कोई ऐसा ऐसा दातुन होता है उसमें बहुत टेस्ट आता है, रस आस में आता है, आता है आता है, जानते हैं आप? पहले कर देते हैं, हाँ, वो कहीं कहीं जंगल में मिलता है, उसमें बहुत रस बढ़िया रखता है उसमें, वो नाम कुछ अलग है उसका, करण जैसा कुछ नाम है उसका, वो दातुन का। और कोई कोई दातुन होता है एकदम मुलायम होता है उसका, हाँ, ब्रश से भी और मुलायम होता है, एकदम मुलायम होता है, नहीं? भूल गए आजकल। और नीम का दातुन तो अच्छा माना जाता है, नीम का दातुन, बबूल का भी अच्छा माना जाता है ना, औषधि भी है ना उसमें नीम में, ऐसा है। हैं? क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, देहात में बोलते हैं, छोटा पौधा होता है, घाट, बिल्कुल घाट, जड़ निकलती है, जड़ जड़ को अच्छा करते हैं, अच्छा जड़ से जड़ को करते हैं, वो अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है, अच्छा, हाँ बहुत है। चलो, तो उसको जो फाड़ दिया अपने, वो भी विभाग जो हो, ये क्या बोलते, अभिघात विभाग हो जाएगा। और नोदन कैसे होगा? जहाँ विभाग हो, जैसे धीरे से आपने हटा दिया, धीरे से ऐसे हटा दिया कि नहीं, तो शब्द हुआ नहीं? हुआ। वस्त्र को टेबल से आपने हटा दिया, कोई शब्द नहीं, उसको क्या बोलेंगे? नोदन विभाग कहेंगे।
पुष्प का भी हो गया है ना, पुष्पा की हो गया। चलो आगे चला जाए। उसके बाद देखो परत्व परत्व परा पर व्यवहार साधारण कारण परत्व परत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिने देखो ये परत्व अपरत्व एक गुण है, ये भी एक गुण है। बोलते हैं एक परापर व्यवहार, परापर व्यवहार क्या होता है मतलब ये बड़ा है ये छोटा है यही व्यवहार है। पर से यहाँ पर ये लेना है पर का अर्थ है दो, यहाँ पर लेना है। एक तो ज्येष्ठ को ही पर कहते हैं, अब कोई दूर है उसको भी पर कहा जाएगा, यहाँ पर पर शब्द से ही लेना है। समझ में कि नहीं, क्या पर शब्द से क्या लेंगे, कोई व्यक्ति ज्येष्ठ है अथवा कोई दूर है मान लो, ये पर से तात्पर्य है। समझ में कि नहीं है। और दूसरा क्या है, अपर से, अपर मतलब कनिष्ठ और समीप, ऐसा जो व्यवहार होता है। समझ में ना, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, अब जरूरत नहीं पड़ती हमको लग रहा है। उधर से कहाँ जा रहे हो, चलो ठीक है, ऐसा होता है। उसका जो असाधारण कारण, उसका जो असाधारण कारण, ये जो बोल रहे हो ना कि ये ज्येष्ठ देवदत्त क्या है, पर है मतलब ज्येष्ठ है, और यज्ञदत्त क्या है, अपर है मतलब कनिष्ठ है, ये जो व्यवहार कर रहे हो शब्दात्मक व्यवहार कर रहे हो, इसका असाधारण कारण कौन है, हाँ यथासंख्या लगाना है। पर व्यवहार के प्रति असाधारण कारण परत्व नामक गुण है उसमें, और अपर व्यवहार के प्रति असाधारण कारण अपरत्व गुण है, है ना। किसमें गुण है, जिस द्रव्य का व्यवहार कर रहे हो है ना उसमें एक गुण है, ठीक है ना। कौन सा गुण है, गुण का नाम क्या है, परत्व और अपरत्व, इसका नाम भी देंगे आगे। तो ऐसा जो परत्व अपरत्व कितने द्रव्य में रहेगा, चार, चार की पांच, पांच में रहेगा। पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनि, बोलो मनोवृत्तिनि तेच द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्ते दिक्कृतं परत्वं समीपस्ते दिक्कृतं अपरत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं अपरत्वं। हाँ देखो कहते हैं कि जो है पृथ्वी आदि चार कौन कौन है, पृथ्वी जल तेज वायु, इसको चार बोलते हैं, पृथ्वी चार चतुष्टय और मन, मन ठीक है। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, ठीक है ना। तेज द्विविधे, तेज द्विविधे मतलब ते कहाँ का रूप है, किस शब्द का, ते किस लिंग में, पुलिंग में स्त्रीलिंग में नपुंसक में किस में, पुलिंग में नहीं मतलब कहाँ, नपुंसक में, नपुंसक कैसे हुआ, कभी पुल पुलिंग में कभी कह रहे हो नपुंसक में, पुलिंग में किसका, तत् शब्द का, सह तो ते पुलिंग में बोलो किसी में तो कहोगा, हाँ क्यों दो है ना, कौन, हाँ ठीक, परत्व अपरत्व ये दो है ना, ये नपुंसक में परत्व नपुंसक में चलता है, अपरत्व नपुंसक में चलेगा। ये ऊपर भी दिया है कि नहीं, परत्व अपरत्वे, ये क्या है प्रथमा का द्विवचन है, वो नपुंसक में परापरत्व का फलम फले फलाने ऐसी प्रकार, ठीक है ना। ये सब द्विवचन है,
पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, यहाँ पर भी द्विवचन है। प्रातिपदी क्या है? क्या वृत्ति इकारांत है, समझ में ना? हाँ, द्विवचन में वृत्ति नहीं कैसे बन गया? हाँ, तो कैसे बना? दधि है ना, दधि दधि नहीं बनता है ना, कैसे बना है? ऊँगा पसे क्या होगा? ऊँगा पसे आपन तो कहाँ है ये? नपुंसकाच्च, नपुंसकाच्च से ओ को क्या होगा? सी, लेकिन नौकार कहाँ से आ गया? नुम, इकोची विभक्त उसे नुम हो जाएगा ना, नुम नहीं होगा ऐसा। चलो, नपुंसक है ना, तेज द्विविधे, मतलब परत्व परत्व दो प्रकार के हैं, दिक्कृते कालकृते च। ये देखो, दिक्कृते ये भी कहाँ का रूप है? नपुंसक में प्रथमा का द्विवचन, ज्ञानम ज्ञाने दिक्कृतम दिक्कृते दिक्कृतानि, मतलब दिक्कृते कौन? दिक्कृते परत्व परत्व, कालकृते कौन? हाँ, दोनों, मतलब दिशा को लेकर के भी परत्व परत्व होता है और काल को लेकर भी परत्व परत्व होता है, समझ में कि नहीं? कैसे आप देखो बताते हैं, दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, ये बोल दिया। दूरस्थ मतलब क्या? दूर में रहने वाला जो द्रव्य है पदार्थ, उसमें कौन सा परत्व रहेगा? दिक्कृत परत्व, दिक्कृत परत्व मतलब क्या है? ये बहुत दूर है, नहीं बोलते हैं ये बहुत दूर, ये दूर बोलते हैं ना, कैसे? दिल्ली दूर है किसके अपेक्षा से? ऋषिकेश के अपेक्षा से है। तो दिल्ली में कौन सा रहेगा परत्व? दिक्कृत परत्व, और ऋषिकेश में क्या रहेगा? दिक्कृत अपरत्व, हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार, अरे समीप, ये हो गया समीपस्थ, समीप में रहने वाले में क्या रहेगा? अपरत्व, कौन सा रहेगा? दिक्कृत अपरत्व रहेगा। आ ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम है, हाँ ज्येष्ठ में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कौन? व्यक्ति है, ज्येष्ठ व्यक्ति है, समझ में ना? तो ज्येष्ठ व्यक्ति में क्या रहेगा? कालकृत परत्व रहेगा, ये व्यक्ति ज्येष्ठ है, बोलते कि नहीं? उसमें काल का संबंध ज़्यादा हुआ ना उस व्यक्ति में, नहीं हुआ? पहले पैदा हुआ वो, तो काल का संबंध ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए उसमें रहेगा कालकृत परत्व, कहाँ रहेगा? ज्येष्ठ व्यक्ति में, और कनिष्ठ व्यक्ति में कालकृतम अपरत्वम, क्योंकि काल का संबंध ज़्यादा हुआ कि नहीं, समझ में आया? ये समझ लो, इसलिए परत्व कितने प्रकार के हैं? क्या क्या? दिक्कृत और कालकृत। अपरत्व कितने प्रकार के? दो प्रकार हैं, कालकृत और ये काल, काल बोल दिया, हाँ दिक्कृत कालकृत, ठीक है, समझ में आया ना? ये बताओ मन में क्या रहेगा? दिक्कृत परत्व रहेगा या कालकृत परत्व रहेगा, बताओ? कि कालकृत रहेगा कि दोनों रहेंगे? दोनों रहेगा, दोनों रहेगा, कैसे रहेगा? कालकृत परत्व परत्व कहाँ रहेगा? जो उत्पन्न रहेगा तब उत्पन्न होगा, तब ना होगा? मन उत्पन्न होता है क्या? तो फिर कालकृत कैसे होगा? कोई व्यक्ति ज्येष्ठ मतलब क्या? उसका शरीर पहले पैदा हुआ इसलिए उसको ज्येष्ठ कहते हो। मन पैदा होता है? नहीं होता है। इनका मन को नित्य मानते हैं ना, नहीं? लोग मन को क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। तो मन ज्येष्ठ है, कनिष्ठ है? नहीं, शरीर, स्थूल शरीर जो है वो ज्येष्ठ कनिष्ठ है, मन ऐसा नहीं है, है ना? तो मन में कौन सा परत्व परत्व रहेगा? धिकृत परत्व परत्व रहेगा, नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? वो व्यक्ति मान लीजिए वो दिल्ली में है और आप जो है ऋषिकेश में हो, तो उसका मन क्या हो गया? दूर नहीं हो गया? तो उसमें क्या रहेगा? हाँ, और दूरस्थ व्यक्ति का मन में क्या रहेगा? दिक्कृत परत्व, और समीपस्थ व्यक्ति के मन में बस ऐसा, समझ में कि नहीं? ऐसे बगल ले लो। आप पृथ्वी आदि में क्या रहेगा? पृथ्वी आदि चार में बताओ,
दोनों रहेगा, दिक्कृत परत्व और कालकृत परत्व रहेगा, दोनों दिक्कृत परत्व परत्व कालकृत परत्व परत्व रहेगा। आगे बढ़ेंगे, चलो उसके बाद गुरुत्व देखो। गुरुत्व आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। तो कहते हैं आद्य पतन, पतन मतलब क्या है, गिरना, मतलब संयोग अनुकूल क्रिया को बोलते हैं पतन। क्या है, संयोग अनुकूल क्रिया को कहते हैं पतन, ठीक है। तो पहला जो गिरना, पहला जो गिरना आद्य पतन, हाँ आद्य पतन। देखो फल गिरा ना, फल वृक्ष से गिरा, थोड़ी देर आया, हाँ थोड़ा दूर तक आया ना, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऐसा आया कि नहीं। तो प्रथम जो पतन हुआ उसको यहाँ पर लेना आद्य पतन। वो पतन कहाँ पर हो रहा है, फल में हो रहा है, हाँ फल कौन गिर रहा है, फल गिर रहा है ना, तो आद्य पतन कहाँ पर हुआ, फल में हुआ। तो आद्य पतन का समवाय कारण कौन होगा जानते हैं, समवाय कारण हो गया फल, स्वयं फल हो जाएगा। समवाय कारण कौन होगा, फल हो जाएगा, अभी आएगा कारण, ठीक है क्या। ये जरा समझना पड़ेगा, तो कारण को पहले समझना जरूरी है, हैं कारण को समझना बहुत जरूरी है। कारण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण होते हैं, ठीक है। वो लक्षण वगैरह तो बाद में आएगा, हम बताएंगे, लेकिन पहले सामान्य रूप से समझ लो, ठीक है। कारण कितने प्रकार के होते हैं, तीन, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण, ठीक है ना। तो पट के प्रति समवाय कारण कौन होगा, तंतु, मतलब जन्य द्रव्य के प्रति, किस द्रव्य के प्रति, जन्य द्रव्य के प्रति अपना अवयव होता है समवाय कारण, नहीं एक नंबर हो गया, जन्य द्रव्य के प्रति समवाय कारण कौन होता है, अपना अवयव, अपना अवयव। जैसे पट के प्रति तंतु, पट के प्रति तंतु, जन्य द्रव्य पट है, जैसे पट के प्रति तंतु, हुआ कि नहीं हुआ। सकल द्रव्य के प्रति नहीं, जन्य द्रव्य के प्रति, है ना। आत्मा द्रव्य है कि नहीं, उसका समवाय कारण कौन, नहीं वो जन्य ने ना, है ना, जन्य द्रव्य के प्रति कह रहा हूँ पर, इतना हुआ। फिर उसके बाद है जन्य द्रव्य में, अथवा द्रव्य में लिख दो, द्रव्य में रहने वाले क्या, रहने वाले गुण क्रिया के प्रति, गुण क्रिया के प्रति स्वयं द्रव्य समवाय कारण होता है। स्वयं द्रव्य क्या होता है, समवाय कारण होता है। जैसे पॉट में रहने वाले रूपादि गुण और क्रिया के प्रति, क्रिया के प्रति पॉट होता है समवाय कारण, पॉट होता है समवाय कारण, ठीक है। ओ
रूपादि गुण और क्रिया। अच्छा, रूपादि गुण और क्रिया दोनों में समवाय कारण, दोनों का कौनों का समवाय कारण? पट हो जाएगा। कौन आ जाएगा? पट हो जाएगा। समझ में आया है? पट में जो रूप रहेगा ना, रक्त आदि रूप, शुक्ल आदि रूप, उसका समवाय कारण कौन होगा? पट हो जाएगा। और पट का समवाय कारण कौन होगा? पट का पट ही होगा। तंतु बोलो ना, पट का पट बोल रहे हो गया था, हो गया आता। और असमवाय कारण देख लो क्या है, असमवाय कारण जन्य द्रव्य के प्रति, जन्य द्रव्य के प्रति अपना अवयव असमवाय कारण होता है। कौन सा है? असमवाय कारण होता है। हैं, कौन होता है? असमवाय कारण होता है। समझ में ना? जैसे जन्य द्रव्य बराबर कौन? पट। जन्य द्रव्य बराबर पट है, उसका अवयव कौन है? तंतु। उसका अवयव क्या लिखा आपने? नहीं, नियम क्या लिखा आपने? अपना अवयव का संयोग लिखो। हाँ, बोलने में गलती हो गई। अपने अवयवों का संयोग ऐसा लिखो। हाँ, ऐसे मेरे मन में खटक गया सीधा। फिर बोलो, नियम क्या लिखा है? बोलो विवेक। हाँ, अपने अवयवों का संयोग क्या होगा? असमवाय कारण होता है। जैसे जन्य द्रव्य कौन हो गया? पट। उसका असमवाय कारण कौन होगा? तंतुओं का संयोग। जैसे जन्य द्रव्य के प्रति अपने तंतुओं का संयोग। समझ में आया कि नहीं आया? हैं, हो गया कि नहीं हो गया? तो घाट के प्रति कौन होगा असमवाय कारण? कपाल का संयोग। उनका दो कपाल हो गया, दो टुकड़े खोपड़ी है ना, ऐसा है। और एक नियम लिखो असमवाय कारण के ऊपर। नियम ये पहले समझ लो, नियम है ना, बाद में तो आएगा। तो असमवाय कारण कैसे बताता हूँ। द्रव्य में रहने वाले गुण क्रिया के प्रति अपने अवयवों के गुण क्रिया असमवाय कारण होते हैं। अपने अवयवों के गुण क्रिया असमवाय कारण होते हैं। हो गया कि नहीं? क्या लिखा आपने? द्रव्य में रहने वाले गुण क्रिया के प्रति अपने अवयवों के गुण क्रिया असमवाय कारण होते हैं। असमवाय कारण होते हैं। जैसे पट में रक्त रूप है, पट में रक्त रूप हो गया द्रव्य का गुण, वह उसका असमवाय कारण कौन होगा? तंतु का रक्त रूप है। पटों में रहने वाला रक्त रूप के प्रति तंतु का रक्त रूप क्या होगा? असमवाय कारण हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसा समझ में? ये सब असमवाय कारण होता है। लग गया ना कि नहीं? तंतु का रूप भाई, पट में जो रूप है ना, हाँ, पट रूप के प्रति तंतु रूप, पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या होगा? असमवाय कारण हो जाएगा। बात समझ भाई? अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं।
हैं, इतना आया। अच्छा और आगे निमित्त कारण क्या होगा, इससे अतिरिक्त जो कारण है, दोनों से अतिरिक्त जो कारण है उसको कहते हैं निमित्त कारण। ठीक है, क्या कहेंगे? निमित्त कारण कहेंगे। हैं, इससे अतिरिक्त कारण को निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे पट के प्रति, पट के प्रति कौन, तुरी व्यमादि, बनाने वाला भी ले लो, पट के प्रति पट बनाने वाला क्या होगा, पट बनाने, पट बुनने वाला, पट जानते हैं, पट मतलब क्या, पट मतलब क्या, लो फिर क्या लिखे अभी तक, फिर पट मतलब क्या चाहिए, पट मतलब कपड़ा वस्त्र तो पट मतलब क्या कहने जाने तो कैसे होगा पट मतलब वस्त्र कपड़ा ठीक है तो पट जो कार्य है उसके प्रति असमवाय कारण कौन है, तंतु, और असमवाय कारण तंतु का संयोग, और बुनने वाला झूला है निमित्त कारण, ईश्वर सब आ जाएंगे, सब निमित्त कारण में आ जाएगा। समझ में आया, ये समझ लो, है ना। अब कह रहे आद्य पतन असमवाय कारण गुरुत्तम, है देखो फल है ना, फल हुआ, फल में आद्य पतन हुआ कि नहीं हुआ, आद्य पतन क्या चीज है, कौन सा पदार्थ है, अरे भाई आद्य पतन क्या है, सात पदार्थ में कौन सा पदार्थ है बताओ, हाँ गुण है, बोलो ना गुण है, आद्य पतन गुण है कि क्रिया है, क्रिया है, वो गुण नहीं है, आद्य पतन क्रिया है गिरना अभी बताया था ना संयोग अनुकूल क्रिया, तो आद्य पतन क्या है, गुण है कि क्रिया है, क्रिया है, हाँ क्रिया कहाँ पर हो रही है, फल में हो रही है ना, फल में हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसमें जो फल में जो हो रही है उसका समवाय कारण कौन हुआ, फल हो गया स्वयं, कौन हो गया, फल, और निमित्त कारण कौन होगा, फल गिरा ना, कोई डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, हैं ये पढ़ करके आते समय ही ना प्रतियोगिता होती थी ना, प्रतियोगिता बताओ कौन ज़्यादा फल गिरा सकता है, आम है, आंवला है नहीं एक बार में ऐसे बोलते थे, कहते ना एक बार में, वो बार बार नहीं, एक बार मारो तुम कितना गिरा सकते हो हाँ जो पत्थर है वो स्वयं व्यक्ति है बालक, वो सब निमित्त कारण हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और असमवाय कारण कौन होगा, ये बोलते हैं कि गुरुत्वम, क्या कह रहे हैं, गुरुत्व नामक गुण है, मतलब भारीपन समझ लो हिंदी में, भारीपन कहाँ पर है, उस फल में है, किस में है, फल में, इसलिए वो गिरता है, ये बोलते हैं, बस में ही, तो आद्य पतन व्यक्ति, द्वितीय पतन जो होगा उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, उसके पति नहीं, उसमें बेग आ जाता है, बेग, बेग पकड़ लेगा ना, उसमें बेग जो है वो असमवाय कारण होगा, किसके प्रति, द्वितीयादि पतन के प्रति, क्या है, द्वितीयादि, द्वितीयादि पतन के प्रति उसका बेग क्या होगा, असमवाय कारण होगा, गुरुत्व नहीं, वास्तव में ऐसा इन लोगों का सिद्धांत, क्योंकि देखा जाता ना बेग पकड़ लेता है कि नहीं आगे, क्या है, नहीं पकड़ लेता है, गाड़ी भी चलाते देखो तो शुरू में जितना ये ना प्रयत्न लगता है उसके बाद लगता है क्या, नहीं लगता है, वो बेग होता है ना, बेग, द्वितीयादि पतन का असमवाय कारण कौन है, बेग, द्वितीयादि पतन का समवाय कारण कौन है, वही फल है भी, चाहे प्रथम पतन हो चाहे द्वितीय पतन हो, है ना। चलो ये कहाँ रहता है गुरुत्व, बोलते हैं पृथ्वी जलवृत्ति, पृथ्वी जलवृत्ति, पृथ्वी का, पृथ्वी का अधिष्ठान क्या होगा, फल, और जल का अधिष्ठान है पहाड़ से गिरता है, हाँ वो भी है, पहाड़ से जो गिरता है, ऊपर से जो गिरेगा, ऊपर से जो नीचे गिरेगा, अर्थात वृष्टि ले लो, वृष्टि नहीं, वृष्टि हो गया ना, ऐसा कह दिया,
आने तो पुजारी लोग ऐसे जल छटते कि नहीं पुजारी लोग ये भी तो है ना तो वो भी जल हो जाएगा ठीक है। और कहीं है दो ही द्रव्य में है। उसके बाद द्रव तो देखो आद्य संदना समवाय कारणम द्रवत्वम पृथ्वी पृथ्वीव्यप्तेजो वृत्ति तद्विधम सांसिधिकम नैमित्तिकम च। तो कहते हैं यहाँ पर क्या है स्यंदन बोल दिया। क्या बोल दिया? स्यंदन एक क्रिया है। स्यंदन भी एक क्रिया है। हाँ हाँ मतलब बहना जलादि श्रवणात्मिका क्रिया। क्या स्यंदन मतलब क्या? जलादि श्रवणात्मिका क्रिया। जलादि स्यंदनात् श्रवणात्मिका जलादि श्रवणात्मिका क्रिया। बहना मतलब क्या है? बहना बहना ठीक है। जल बहता है कि नहीं? और कौन बहता है बताओ? जल बहता और क्या बहता है? घृता बहता है और क्या बहता है? हाँ दूध भी। दूध भी हाँ दूध भी जल में आ गया। रुपये लाख हाँ है ना। सुवर्ण भी बहता है गर्म कर देंगे तो बहेगा ना है ना। ये सब तो आद्य यहाँ पर भी लक्षण देखो आद्य संदना समवाय कारणम द्रवत्तम। पढ़ लिया? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा पढ़ लिया। तो देखो आद्य संदन होता है पहले जल को ले लो सबसे सरल है। जल बहता है कि नहीं? जल आपने ऐसा छोड़ दिया जमीन पर छोड़ दिया ना तो बहता कि नहीं बहता है ना। पहले थोड़ा देर जो है ना श्रवण हुआ ना बहा मतलब बहना वो जो आद्य संदन। आद्य संदन क्या चीज़ है? क्रिया क्रिया है श्रवणात्मिका बहना जो क्रिया है ये भी एक क्रिया है। हैं तो कौन सा कर्म होगा? ये कर्म कितने प्रकार के हैं? कौन सा होगा यहाँ पर? ये गमन में आ जाएगा उच्चेपण अपचेपण अकुंचन प्रसारण। तो वो कुछ में आएगा गमन में आएगा ये भी गमन में ही है समझ में है ना। तो जो प्रथम जो बहना हुआ जल में उसका समवाय कारण कौन होगा? स्वयं जल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और निमित्त कारण कौन होगा? ईश्वर इच्छा तो है ही और कौन है? गिराने वाला हो जाएगा। डंडा भी हो जाएगा जो मार दिया फोड़ दिया तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं। तो असमवाय कारण कौन होगा? द्रवत्व। उसमें एक द्रवत्व नामक गुण है किसमें? जो बह रहा है उसमें जिसके कारण आद्य संदन होता है। तो आद्य संदन होता है उसका असमवाय कारण हो गया द्रवत्व। द्रवत्व क्या है? गुण है कि द्रव्य है? गुण है यहाँ पर ठीक है। मैं सार सार बता रहा हूँ ये सब पदकृत्य में आएगा तो विस्तार से करेंगे यहाँ पर ठीक है। तो कितने में रहेगा ये द्रवत्व? तीन। पृथ्वी अप मतलब जल और तेज समझ में आया ना। तद द्विविधम बोलो सांसिधिकम नैमित्तिकम च। सांसिधिकम जले नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो पृथिव्याम घृतादौ अग्नि संयोगजम द्रवत्तम तेजसी सुवर्णादौ। तद्विविधम मतलब क्या है? वो जो है द्रवत्व दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं ठीक है ना। पहला कह दिया सांसिधिकम। पहला क्या कह दिया? सांसिधिकम। उसके बाद क्या कहा? हाँ नैमित्तिक कहा है ना। एक मिनट
पृथ्वी का मैं दूसरा को निकल रहा था। सांसिधिकम नैमित्तिकम, सांसिधिक का द्रवत्व और नैमित्तिक का द्रवत्व। सांसिधिक का अर्थ है स्वाभाविक, सांसिधिक का अर्थ क्या है स्वाभाविक को बोलेंगे सांसिधिक, ठीक है, मतलब बनावटी नहीं, किसी निमित्त से नहीं। और नैमित्तिक का मतलब क्या कृत्रिम, ये समझ लो, नैमित्तिक का अर्थ कृत्रिम, ठीक है। हाँ, तो सांसिधिक कहाँ रहेगा बोलते हैं कि, बोलो कहाँ रहेगा, जल में ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कह रहा, सांसिधिक का द्रवत्व कहाँ रहेगा, जल में ही रहेगा, बराबर है, ऐसा कह दिया। तो सांसिधिक का जल द्रवत्व कहाँ रहेगा, है जल में रहेगा, तेल में नहीं रहेगा, क्या कह रहे हो, तेल, तेल नहीं बहता है क्या, तो फिर तेल जल है क्या, तेल तेल का स्वभाव नहीं है, तेल में जो द्रवत्व तो रहेगा सांसिधिक नैमित्तिक है, भले अरे घी की बात कहाँ कह रहा हूँ, सरसों का तेल ले लो तब क्या, ये तो जल में कह रहे हैं, वो जल है तेल है, हाँ उसमें भी जल रहता है, उसमें भी जल रहेगा, उसी में द्रवत्व रहता है, ऐसा मानते हैं क्या, हैं क्या समझ में, उसमें भी जल रहता है, तो फिर जो उसमें अग्नि से बुझ जानी चाहिए फिर क्या, तेल में जल रहेगा तो अग्नि बुझ जानी चाहिए ना, फिर अग्नि क्यों बढ़ती है फिर तो वहाँ पर कहेंगे स्नेहा भी रहे है ना, हम बताएंगे वहाँ पर दो प्रकार के जो होते हैं ना, स्नेहा बताएंगे। अच्छा चलो, इसका विचार पदकृत में करेंगे, ठीक है। लेकिन तेल में भी इतना समझ लो, तेल में जो द्रवत्व रहता है वो भी किसका है, जल का ही होता है, पृथ्वी ये तेल का नहीं होता है। नैमित्तिकम कहाँ रहेगा, पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी तेजसो, पृथ्वी तेज में है, इधर देखो नैमित्तिकम द्रवत्वम कहाँ कहा, तो लक्षण क्या होगा बताओ, लक्षण करोगे तब अव्याप्ति नहीं हो जाएगा, निमित्त का द्रवत्व रहता है क्या सभी पृथ्वी में, घट में रहेगा, घट को गर्म करने तो जलेगा गलेगा, गलेगा क्या पूछ रहा हूँ, बहेगा नहीं बहेगा, तो फिर आपने कैसे कहा पृथ्वी में, अथवा सभी तेज में कैसे रहेगा, हाँ सभी तेज में तो सभी तेज तो बहता है क्या, बहता है नहीं बहता ना, तो सूर्य का जो तेज है वो बहता है नहीं बहता है, नहीं बहता है ना, अथवा जो तेज है लोहा गर्म, तावा गर्म होता है नहीं, तावा जो गर्म होता है उसके बाद जो उड़ता है ना वो क्या तेज है कि नहीं, भाप जो उड़ता है ना वो तेज है, वो गलता है क्या, वो बहता है नहीं बहता है, तो आपने कैसे कहा कि पृथ्वी तेज है, बोलते सभी पृथ्वी में नहीं, क्या है सभी पृथ्वी में नहीं और सभी तेज में भी नहीं, ये बोल रहे हैं यहाँ पर।
पृथिव्याम घृतादौ, पृथ्वी कहने से यहाँ पर घृतादि को लेना है, सभी पृथ्वी को नहीं लेना है। बात समझ में आई? कैसे? अग्नि संयोगजम द्रवत्तम, अग्नि संयोग हो गया निमित्त, है ना। पृथ्वी जो घृतादि है, हैं, उसमें जो द्रवत्व रहेगा उसका निमित्त कौन है? अग्नि संयोग। अग्नि संयोग होगा कि घी में, तो घी क्या बहता है उसमें, बहेगा वो, उसमें द्रवत्व होगा ना, तो द्रवत्व होने से वो घी इसलिए बहता है, लग गया। और तेजसी सुवर्णादो, तेजसी सुवर्णाद, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे समझना है, तेजसी सुवर्णादो अग्नि संयोगजम द्रवत्वम, यहाँ पर भी ऐसा लगाना है। तेज चलने से कौन? सुवर्णादि, कौन है? आदि से क्या लेंगे? लोहा, लोहा चांदी ये सब ले लो, उसको गर्म करेंगे तो फिर क्या हो, वो बहता है, और ठंडा हो जाएगा तो फिर जैसे कि तैसा हो जाएगा, फिर निमित्त हो गया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद स्नेह, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेह, बोलो। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेह, तो कहते हैं चूर्णादि पिंडी भाव, क्या कह देगा? चूर्णादि पिंडी भाव, मतलब चूर्णादि जो होता है ना, चूर्ण मतलब पिष्ट, यहाँ पर लेना है, क्या लेना है? चूर्ण मतलब पिष्ट, ठीक है ना, चूर्ण मतलब पिष्ट। पिष्ट कौन होता है? आटा। पिष्ट मतलब क्या है? आटा, है ना। चूर्ण आदि, आदि से क्या लेंगे? मिट्टी, मिट्टी ले लो, है कि नहीं, मिट्टी ले लो। मूर्ति बनाते हैं ना मिट्टी, पुतली बनाते हैं, है ना। तो चूर्णादि का जो पिंडी भाव हो रहा है, चूर्णादि का जो पिंडी भाव हो रहा है, समझ में ना, पिंडी भाव, उस पिंडी भाव, पिंडी भाव क्या होता है? संयोग विशेष। अरे कैसे पिंडी पिंडी भाव करना, उसके लिए ऐसे गूंधना पड़ता है ना, उसकी भी तो कला चाहिए, नहीं तो पिंडी भाव कहाँ होगा? ऐसे 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 करो कहाँ से होगा, ऐसे दबाना पड़ेगा ठीक से। तो है ना, पिंडी भाव मतलब संयोग विशेष, परस्पर चूर्ण में जो संयोग विशेष होगा ना, यही पिंडी भाव है। जो पाउडर है कि नहीं, आटा है कि नहीं, परस्पर में क्या होगा? संयोग होगा कि नहीं, इसी का नाम पिंडी भाव है, इसी का नाम पिंडी भाव। इस पिंडी भाव जो है ना, उसका जो हेतु है, किसका हेतु? पिंडी भाव का हेतु। पिंडी भाव क्या है? संयोग। गुण है? गुण नहीं है। लो, संयोग गुण है कि नहीं? पर क्या, पर नहीं बोल रहे हो, संयोग तो गुण ही है, तो पिंडी भाव गुण ही है। पिंडी भाव क्या है? गुण ही है। उस पिंडी भाव का जो हेतु है, पिंडी भाव का जो हेतु, और गुण भी होना चाहिए, है, पिंडी भाव भी कार्य हो गया ना, क्या हो गया? कार्य, गुण रूप से कार्य हो गया, पिंडी भाव उत्पन्न होगा उसमें, किसमें? चूर्ण में, चूर्णादि में, बोलो, चूर्णादि में पिंडी भाव नामक गुणा उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं गुणा? हाँ, उसका जो हेतु है, हेतु कितने प्रकार अभी बताया? तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन प्रकार, समवायी असमवायी निमित्त। पिंडी भाव कहाँ पर हो रहा है? फिर चूर्णादि बोलो, चूर्णादि बोलो, आदि से मिट्टी भी ले लो, चूर्णादि में वो चूर्णादि क्या होगा? समवाय कारण। कौन सा कारण हो गया? समवाय कारण हो गया, नहीं। और ये उसका असमवाय कारण कौन होगा? उसके अवयवों का संयोग, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा कारण दिया है? निमित्त कारण। कौन सा कारण? निमित्त कारण। ये स्नेह नामक एक गुण है, किसमें है ना, किसमें है मालूम है? ये जल में कह रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो जल में एक स्नेह है जिसके कारण पिंडी भाव हो जाता है, कहाँ पर? चूर्णादि में। क्या समय है? बात समझ में आई? तो निमित्त कारण कौन हो रहा है? निमित्त कारण जल में होने वाला स्नेह नामक गुण, मतलब चिकनापन ले लो,
जल में एक स्नेह नामक गुण है जिसके कारण पिंडी भाव होता है। कहाँ पर? चूर्ण आदि में होता है। इतना आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अरे बताओ जल भी कारण है कि नहीं? किसके वृद्धि? पिंडी भाव। जल नहीं होगा तो होगा नहीं होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर गुणा बोल दिया। क्या कह दिया? गुण को यहाँ पर लेना है। यद्यपि वो भी निमित्त कारण है, कौन? जल, लेकिन वो द्रव्य है। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे? गुणा। भाषण में इसलिए गुणा बोल दिया। चूंडादि पिंडी भाव, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सत्य गुणोत्तम स्नेहस्य लक्षणम, ये लक्षण हो जाएगा। क्या लक्षण हुआ बोलो? हाँ ऐसा हो जाएगा। ये सब लंबा चौड़ा लक्षण होता है, हैं? ऐसा है। अब बताओ सांस्कृतिक द्रवत्व तो उसमें है कि नहीं? क्या है? जल में नहीं है सांस्कृतिक द्रवत्व तो? क्या है? किसमें? हाँ तो वो भी तो कारण है, इसलिए उससे भिन्न माने गए ऐसा है ना। इसलिए सांस्कृतिक का द्रवत्व भिन्नत्व सत्य ऐसे कर देते हैं। ये सब आगे बताएंगे हम, ठीक है? चलो इतना संक्षेप से ले लो, लग गया? तो चूर्णादि पिंडी भाव का जो हेतु है, हैं, ऐसा जो गुण, जो गुण चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु हो, मतलब निमित्त कारण हो, ऐसे गुण को क्या बोलेंगे? स्नेह। स्नेह कहाँ रहेगा? जल मात्र वृत्ति, अन्य में रहेगा? नहीं रहेगा। फिर वही बात आ गई, हैं, तो घी से नहीं बनता है पिंडी भाव? घी से भी लड्डू नहीं बनाते कि पानी डालते हो उसमें? हैं, घी से तो बनाते हो। तो घी क्या है? पृथ्वी नहीं? घी तो पार्थिव पदार्थ है, घी, घी, घी तेल वगैरह, तो उसमें भी स्नेह तो रहेगा। हाँ बोलते हैं वहाँ पर भी जल थोड़ा सा है, जलीय कण कहाँ पर रहेगा? घी में भी रहेगा, इसलिए उसमें स्नेह हो जाएगा। फिर वही बात आ गई, यदि उसमें जो है भाई घी घृता आदि में यदि जल है और उसी जल में क्या है? स्नेह है, इसलिए पिंडी भाव लड्डू बन जाता है घी से भी कि नहीं? तब तो फिर उसी जल, उसी घी से, तेल से अग्नि बुझ जाना चाहिए। हाँ तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये स्नेह दो प्रकार के हैं। क्या है? दो प्रकार के हैं, एक प्रकृष्ट और एक अपकृष्ट। अप्रकृष्ट कैसा माया? एक प्रकृष्ट और एक अप्रकृष्ट। प्रकृष्ट अप्रकृष्ट स्नेह कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, समझ में ना? स्नेह दो प्रकार के है, पहला क्या है? प्रकृष्ट, दूसरा है अप्रकृष्ट। तो प्रकृष्ट, प्रकृष्ट स्नेह कहाँ रहेगा मानते हो? प्रकृष्ट स्नेह कहाँ रहेगा? घृत आदि में होने वाला जल में रहेगा, सुनते हो? प्रकृष्ट स्नेह कहाँ रहेगा? घृत आदि में रहने वाला जल भाग में रहेगा, ऐसा लगो। घृतादि में रहने वाला जल जलीय भाग में रहेगा, कौन सा स्नेह? प्रकृष्ट स्नेह, हाँ ठीक है। वो अग्नि के लिए अनुकूल है, वह अग्नि के लिए अनुकूल है, ठीक है नारायण? और अप्रकृष्ट स्नेह कहाँ रहेगा? हैं, कूप नदी में रहने वाला जल कूप नदी में रहने वाला जल में रहेगा, ठीक है? कूप मतलब क्या? कुआं, ठीक है? कूप नदी में स्थित जल में रहेगा, कौन सा स्नेह? अप्रकृष्ट, जो जल का क्या है? प्रतिकूल। इजल का बोल दे, अग्नि का, जो कि अग्नि का प्रतिकूल है, वो अग्नि का हो प्रतिकूल है, इसलिए अग्नि बुझ जाएगी, नहीं? बराबर है। स्नेह कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार। प्रकृष्ट स्नेह, प्रकृष्ट स्नेह कहाँ रहेगा?
गृदा आदि के जलीय भाग में रहेगा, और अप्रकृष्ट स्नेह कूप नदी में रहने वाले जल में। आया समझ में? चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद शब्द है भाई, देखो ये हो सम देखने में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।